हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम गुप्ता ब्लॉग में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। आज मैं बताऊंगी छोले पूरी की रेसिपी। देखिए गाइस, मैं गेहूं का आटा ले ली हूँ 1/2 kg। अब मैं इसमें 150 ग्राम या 100 ग्राम मैदा ऐड करूंगी। देखिए सौ ग्राम मैदा डाल दें। मैं इसमें नमक डालूंगी। देखिए गाइस, स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। 1 स्पून नमक डालूंगी। उसके बाद मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। देखिए अजवाइन डालूंगी। इसको मैं इस तरह से क्रश कर दूंगी। इस तरह से क्रश करके डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल दूंगी। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ रिफाइंड डालूंगी। तो सर रिफाइंड डाल दूंगी 50 ग्राम के लगभग। अब मैं ये सबको अच्छे से मिक्स कर, देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा सभी को। अच्छे से पहले मिला लीजिएगा। कैसे देखिए मैं मिला ली हूँ। अब इसको अच्छे से मिला के उसके बाद फिर आप इस तरह से का गांठ बना के देखिएगा। अगर बन जाएगा तो सोचिएगा ये अच्छा से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंध लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंध लीजिएगा इस टाइप से। जितना पानी लगेगा उतना ही डालिएगा। ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाऊँगी मैं इसका, बस रोटी के जैसा डो बनाऊँगी। मैं आटा गूंद के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैं आटा गूंद रही हूँ, सॉफ्ट आटा गूंद रही हूँ। ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदिएगा, उससे क्या होगा ना, पूरी फूलेगा नहीं और अच्छा नहीं लगेगा खाने में, सूखा सूखा हुआ बन जाएगा। इसलिए मैं इसे 10 से 15 मिनट लगा इसको गूंद ली हूँ। अब मैं इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए इसको रख देती हूँ। उसके बाद मैं छोला बनाती हूँ। गाइस देखिए, मैं छोला बनाने के लिए ले ली हूँ। ठीक है गाइस, मैं छोले बनाने के लिए ले ली हूँ। ये 1/2 kg चना है, रात में भिगो के रख दी थी मैं। और मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ। देखिए 3 बड़े साइज का प्याज ली हूँ और 2 से 3 ग्रीन चिली है, 2 रेड चिली है, 2 तेज़पत्ता है, 6 से 7 कली है लहसुन का, और ये लौंग है, और ये दालचीनी है। मैं कुकर में बनाऊंगी। मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ, ये गर्म हो गया। अब मैं इसमें सरसों तेल डालूंगी। ठीक है गाइस, मैं 50 ग्राम के लगभग सरसों तेल डाल दी हूँ। अब सरसों तेल गर्म हो गया। अब मैं इसमें पहले जीरा डालूंगी। देखिए गाइस, 1 स्पून जीरा डाल दी हूँ। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं ये डालूंगी, 4 से 5 लौंग है, और ये दालचीनी है, और ये 2 रेड चिली है, और 2 तेज़पत्ता। मैं ये डाल दूंगी। फ्राई हो गया। देखिए गाइस, ये सब मसाला फ्राई हो गया। उसके बाद मैं ये लहसुन डाल दूंगी। ये भी थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी 1 मिनट तक। देखिए गाइस, फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ये प्याज और मिर्च डाल दे। देखिए गाइस, मैं सारा प्याज और मिर्च वगैरह था सब डाल दी हूँ। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। अच्छे से चला देती हूँ। 5 मिनट तक इसे फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं इसको चलाते रहूँगी। वैसे इस तरीके से बनाइएगा ना, बहुत टेस्ट लगेगा खाने में। एक बार बना के देखिएगा। देखिए गाइस, ये फ्राई हो गया। 5 मिनट तक मैं इसे फ्राई कर ली थी, बीच बीच में चला दी थी। अब मैं इसमें चना डाल दूंगी, ये जो मैं धो के रखी हूँ। अब मैं ये चना इसमें डाल देती हूँ। देखिए गाइस, मैं सारा इसमें डाल दी सारा चना। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगी और 5 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। 5 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो फिर ये जल जाएगा। जल जाएगा तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा ना। प्याज ज़्यादा नहीं फ्राई कीजिएगा, बस हल्का सा भूरा कलर कीजिएगा, पिंक कलर का। अब मैं इसे 5 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ, ढक ढक के 5 मिनट तक। इससे मैं ढक देती हूँ, 5 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी, बीच बीच में चला दूँगी। देखिए गैस,
चनाव तो फ्राई हो रहा, तब तक मैं मसाला निकाल ली थी। ये वन स्पून है मेरा, ये बड़ा स्पून है, आपका जैसा स्पून होगा उस टाइप से लीजिएगा, उस हिसाब से। मैं वन स्पून हल्दी पाउडर ली हूँ, वन स्पून से थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ली हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और स्वाद के अनुसार नमक ली हूँ, और ये भी वन स्पून है धनिया पाउडर, एंड हाफ स्पून है जीरा मिर्च का पाउडर। और ये अब फ्राई हो गया है, छोले अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देते हूँ और इसमें सारा मसाला ऐड करूँगी। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, ठीक है, वन स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। उसके बाद इसको पहले अच्छे से मिला लेती हूँ, इतना तक इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ये सब मसाला ऐड करूँगी। देखिए गाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं एक मिनट तक फ्राई कर ली हूँ, अब मैं इसमें ये सब मसाला ऐड करूँगी। ये एक बार और मैं आप लोग को बता देती हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये रेड चिली पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है स्वाद अनुसार नमक, और ये है जीरा मिर्च का पाउडर। ये सब मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी, डाल दूँगी सारा। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला के 2 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ, डाल के 2 मिनट तक फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इसमें एक बड़े साइज का टमाटर डाल दूँगी, और एकदम लो फ्लेम पे मैं ये सब मसाला को भूनूँगी 10 मिनट तक। ये सब मसाला को भूनूँगी, इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। देखिए गाइस, मैं टमाटर डाल दी हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, 2 चम्मच के लगभग, ज़्यादा नहीं, ताकि मसाला जले नहीं। टमाटर में भी पानी छोड़ेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा कम पानी डाली हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालेगा, नहीं तो मसाला में कच्चापन रह जाएगा। 2 स्पून पानी डाल दी हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे इसको ढक दूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी, 10 मिनट तक इसे फ्राई कर लूँगी लो फ्लेम पे। देखिए गाइस, इसे जब भी मसाला भूने ना तो ढक के भूने और लो फ्लेम पे भूनिए, वरना बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए मैं इसे ढक देती हूँ, बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी, 10 मिनट तक इसे फ्राई करूँगी। गाइस देखिए, 10 मिनट हो गया, अभी अच्छे से फ्राई हो गया। देखिए कितना अच्छे से साइड साइड से ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से डालिएगा, मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, क्योंकि पूरी साथ खाऊँगी ना, ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक इस गिलास से 2 गिलास डालूँगी, ज़्यादा नहीं, 1 गिलास डाल दी हूँ, 1 गिलास और डालूँगी। देखिए 1 गिलास और पानी डाल देती हूँ। अब जितना ग्रेवी रखिएगा उस हिसाब से डालिएगा। मैं पूरा 2 गिलास नहीं डाली हूँ, 1.5 गिलास डाली हूँ, 2 गिलास डाल दूंगी तो ज़्यादा ग्रेवी हो जाएगा, हमको कम ग्रेवी रखना है, इसलिए मैं 1.5 गिलास डाली हूँ पानी। अब इसमें मैं ये देखिए गर्म मसाला डाल दूंगी। आपके पास छोला मसाला है तो डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं स्किप कर दी हूँ, आपके पास है तो आप लोग डाल दीजिएगा। देखिए ये धनिया पत्ता है, इसके ऊपर ये धनिया पत्ता डाल दूंगी मैं, सारा चीज़ डाल दी हूँ इसमें, धनिया पत्ता, गरम मसाला, पानी वगैरह सब डाल दी हूँ। अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ और 5 से 6 सीटी आने तक पकाऊंगी। ठीक है, इसमें ढक्कन लगा दी हूँ, अब 6-8 सीटी आने तक वेट करूँगी, 6 सीटी लग जाएगा, उसके बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तब तक ये इधर छोला होता है, तब तक मैं पूड़ी बना लेती हूँ। देखिए गैस, आटा गूंद के मैं रख दी थी ना, आप लोग को दिखाई थी, इसको आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल लूँगी, इसको अच्छे से फिर से इसको मसल लेंगे, अच्छे से मसल लूंगी। देखिए इस टाइप से अच्छे से मसल लीजिएगा, 5 मिनट तक मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत जो सूखा उखा बचा हुआ होगा वो अच्छे से मिल जाए। ऐसे तो ये सूखा हुआ नहीं, ये और सॉफ्ट हो गया है, ये अच्छे से मिल गया। अब मैं इसका गोल गोल लोइया का बना लेती हूँ, गोल गोल बॉल्स बना लेती हूँ, छोटा छोटा, जितना साइज का आपको पूरी रखना है
उस टाइप से बनाइएगा। मैं ज़्यादा ना बड़ा बनाऊंगी ना ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज का बनाऊंगी। मैं दिखाती हूँ आप लोग को गाइस, देखिए मैं आप लोग को इसका बॉल्स बनाने सिखा देती हूँ, बता देती हूँ। देखिए आप अगर चोकला पे बेलते होंगे ना तो उस पर लगा लीजिएगा, मैं चोकला पे नहीं इसी पे टाइल्स पे ही बेल लेती हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा और बना ली हूँ बस, फिर सोची आप लोग को भी दिखा देती हूँ। देखिए ना इसको ऐसे दो भाग में कर लीजिएगा, जितना आटा होगा उस हिसाब से। मैं एक बार बना चुकी हूँ इसलिए थोड़ा सा बचा है। देखिए इसको स्टेप से कीजिएगा ना, इस तरह से पतला करके लंबा कर लीजिएगा। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको जैसा साइज का आपको पूरी बनाना है उस टाइप से लोइया लीजिएगा। मैं मीडियम साइज का बनाना, इस तरह से काट दीजिएगा। देखिए इस टाइप से काट दीजिएगा। अब इसको हाथ में लेके ऐसे से गोल कर दीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से ये बन गया है। इसी तरह से मैं सारे लोग ये बना के प्रोसेस से इसी तरह से मैं सारे लोग ये बना लेती हूँ। देखिए गैस मैं सारा बॉल्स में बना ली हूँ, गैस पे कढ़ा चढ़ा दी थी, गर्म हो गया। इसमें मैं रिफाइन तेल डाल दी हूँ, ये 2 मिनट लगेगा इसको गर्म होने में। गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए गाइस जब तक उधर रिफाइन गर्म होता है ना तब तक मैं 5-6 पूरी बेल के रख लेती हूँ। देखिए मैं टाइल्स पे ही बेलूंगी तो इस पर मैं थोड़ा सा पहले रिफाइन तेल, आप आटा से भी बेल सकते हैं, मैं लेकिन आटा से नहीं बेलूंगी, मैं रिफाइन से बेलूंगी। और ये बेलना पे भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ बेलन पे, ताकि इसमें चिपके नहीं और अच्छा से जल जल्दी। गैस मैं आटा से इसलिए नहीं बेलती हूँ ना कि ये आटा से बेल के इसमें छानिएगा ना तो मतलब खाने में भी उतना टेस्ट नहीं आता है, और ये जल के ये रिफाइन में चला जाता है तो मतलब जला जलापन का टेस्ट आता है, फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। और इससे रिफाइन से बेल के डालिएगा ना पूरा एकदम साफ दिखेगा, क्लीन और अच्छा भी लगता है खाने में। देखिए इसमें भी मैं थोड़ा सा रिफाइन लगा दी हूँ, मैं इसको बेल लेती हूँ जब तक उधर तेल गर्म होता है। 3-4 पूरी बेल के मैं रख लेती हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा साइज की नहीं बेलूंगी, बस इतना साइज की ही। इस टाइप से बेल लीजिएगा, जितना बड़ा आप लोग खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप रखिएगा। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा पूरी का साइज इतना ही ठीक रहता है, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा अच्छा नहीं लगता। देखिए तेल गर्म हुआ है ना, चेक करने के लिए थोड़ा सा ये आटा का बॉल्स डाल के देख लेती हूँ। ठीक है इसमें तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें देखिएगा इस तरह से डालिएगा, ज़्यादा नज़दीक से मत डालिएगा नहीं तो हाथ में पड़ जाएगा। देखिए कितना फूला फूला बन रहा है, देखिए फटाफट बन के रेडी हो जाएगा, 10 मिनट में पूरी बन के रेडी हो जाएगा। मैं एक बार में 2 डाल देती हूँ क्योंकि स्पेस था ना इसमें, लेकिन एक बार में 2-3 आराम से हो जाएगा। देखिए कितना फूला फूला बन रहा है, बिना दवाए हो ये ऑटोमेटिक फूल जा रहा है, तो मुँह में पानी आ रहा है। ये हो गया, ज़्यादा काला मत कीजिएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। हाई फ्लेम पे ही हमेशा पूरी तले तो ज़्यादा जल्दी जल्दी फूलता भी और अच्छा भी लगता है। गैस मैं सेम प्रोसेस इसी तरह से सेम प्रोसेस सारे बॉल्स को मैं बेल के इसी तरह से सारी पूरी बना के उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गैस कितना अच्छा छोला बना है, देखिए तो कितना सुंदर लगा देखने में ही, खाने में कितना टेस्टी होगा। देखिए गाइस कितना अच्छा बना है, मैं अब आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। ये तो देखिए मैं पूरी भी पूरा फूला फूला हुआ बना है, मैं आप लोग को अब सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस कितना अच्छा बना है,
आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और बना के एक बार जरूर बनाइए, बना के मुझे कमेंट में बताइए कैसा बना है। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गर्म गर्म खाइएगा ना, बहुत टेस्टी लगेगा। बारिश के मौसम में बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। गाइस आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।